कांग्रेस ने 3 साल राज किया, कभी भी नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने मान्यता नहीं दिया, हमेशा नॉर्थ ईस्ट को धोखा दिया। लेकिन बीजेपी सरकार पिछले 9.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए करीबन 7 लाख करोड़ रुपया यहां इस्तेमाल की है और हमारे हर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस हिसाब से कदम उठाया गया है, जिसके कारण आज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को दुनिया के लोग आज विशेष रूप से ध्यान देने लगा है और नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने के लिए उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि आज जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में शांति संभव हुई है, ये शांति किस लिए संभव हुई है? क्योंकि विकास जब नहीं होते, यातायात जब सही नहीं होते, तो जनता थक जाती है और जनता नाराज हो जाती है, निराश हो जाता है। इसलिए हमारे बीजेपी लेड एनडीए सरकार ने, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के सिलसिले में सबसे बड़े मान्यता दी है और साथ साथ में यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था को विशेष रूप से बढ़ावा देना होगा। इसके वजह से आज सारा नॉर्थ ईस्ट शांति में है, जहां पीस है वही प्रोग्रेस संभव हो सकता है। और आज आप लोगों को यह भी बता दो, कांग्रेस की तरफ से जो भी आरोप लगाया गया है, ये मणिपुर का घटना कोई हिंदू और ख्रिस्टान का नहीं, दो संप्रदाय की विवाद है, दो जाति का विवाद है, कोई हिंदू ख्रिस्टान का नहीं। भारतीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सबको साथ लेके देश को मजबूत किया है, ख्रिस्टान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, सबको साथ लिया है और उन्होंने जो नीति अपनाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस हिसाब से आज हिंदुस्तान पिछले 9.5 साल के अंदर सब लोगों के सहयोग की वजह से आज दुनिया में 5वें शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। कांग्रेस ने 3 साल राज किया, कभी भी नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने मान्यता नहीं दिया, हमेशा नॉर्थ ईस्ट को धोखा दिया। लेकिन बीजेपी सरकार पिछले 9.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए करीबन 7 लाख करोड़ रुपया यहां इस्तेमाल की है और हमारे हर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस हिसाब से कदम उठाया गया है, जिसके कारण आज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को दुनिया के लोग आज विशेष रूप से ध्यान देने लगा है और नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने के लिए उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि आज जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में शांति संभव हुई है, ये शांति किस लिए संभव हुई है? क्योंकि विकास जब नहीं होते, यातायात जब सही नहीं होते, तो जनता थक जाती है और जनता नाराज हो जाती है, निराश हो जाता है। इसलिए हमारे बीजेपी लेड एनडीए सरकार ने, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के सिलसिले में सबसे बड़े मान्यता दी है और साथ साथ में यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था को विशेष रूप से बढ़ावा देना होगा। इसके वजह से आज सारा नॉर्थ ईस्ट शांति में है, जहां पीस है वही प्रोग्रेस संभव हो सकता है। और आज आप लोगों को यह भी बता दो, कांग्रेस की तरफ से जो भी आरोप लगाया गया है, ये मणिपुर का घटना कोई हिंदू और ख्रिस्टान का नहीं, दो संप्रदाय की विवाद है, दो जाति का विवाद है, कोई हिंदू ख्रिस्टान का नहीं। भारतीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सबको साथ लेके देश को मजबूत किया है, ख्रिस्टान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, सबको साथ लिया है और उन्होंने जो नीति अपनाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस हिसाब से आज हिंदुस्तान पिछले 9.5 साल के अंदर सब लोगों के सहयोग की वजह से आज दुनिया में 5वें शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है।